Hi guys, I'm Shivam Kumar and founder of Moxon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for CMAT 2022 exam, because in this video, I'm going to discuss about the famous inventions and their inventors. So guys, this video is very important because if you have a question in the next exam, then you will do it, because here I'm going to discuss important inventions. Like this video, it will help a lot of people, and subscribe, because lagatar videos are going to be a strategy based video. पास्कल एरोप्लेन राइट ब्रदर्स गाइस, ईयर मैं रीड नहीं करूंगा, आप ईयर अगर आपको पढ़ना हो तो आप जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा उसको आप ईयर पढ़ सकते हो, पढ़ना हो तो, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बैलून जैक्स एंड जोसेफ मॉन्टगोल्फर, ठीक है। बॉल पॉइंट पेन सी वीरो। बैरोमीटर ई टॉरेसली, काफी लोगों ने टॉरेसली थ्योरम पढ़ी होगी फिजिक्स में। बाइसिकल के मैकमिलन। बाइसिकल टायर जे बी डनलप। कैलकुलेटिंग मशीन पास्कल। सेंट्रीग्रेड स्केल ए सेल्सियस। सिनेमेटोग्राफ थॉमस एल्वा एडिशन। कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज, इंपॉर्टेंट है। साइन कैमरा फ्रिट्ज ग्रीनी। सिनेमा ए एल एन जे एल यूमेर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉक मैकेनिकल सिंग एंड लिंग सैन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका सन भी याद कर लेना, जहां पे मैं सर्किल बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। पेंडुलम क्लॉक सी ह्यूगिंस नीदरलैंड, ठीक है। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। डायनामाइट एल्फ्रेड नोबल, ठीक है। तो गाइस इसमें सिनेमा वगैरह इंपॉर्टेंट है, क्लॉक इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा ऐसी चीजें जो आप नहीं सोच सकते, जैसे आप जो चीज यूज करते हो बट आप सोच नहीं सकते किसने बनाई है, जैसे बाइसिकल बैलून, ये सभी पढ़ लो, इम्पोर्टेंट है। तो जितना याद कर सकते हो याद कर लो, इम्पोर्टेंट। ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट इन्वेंशन इन्वेंटर इंपॉर्टेंट। देन वी हैव इलेक्ट्रिक आयरन एस डब्ल्यू सेले। इलेक्ट्रिक लैम्प थॉमस एल्वा एडिसन, क्योंकि बल्ब का उन्होंने किया था इसलिए ये भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेट डब्ल्यू स्टर्जियन। एवोल्यूशन थ्योरी चार्ल्स डार्विन, ये इंपॉर्टेंट है। फिल्म विद साउंड डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट। फाउंटेन पेन ली वॉटरमैन, इंपॉर्टेंट है। गैस लाइटनिंग विलियम मर्डॉक। ग्रामोफोन टी एडिशन। जेट इंजन सर फ्रैंक विल्टिल। लिफ्ट ई जी ओटिस। ओटिस कंपनी की लिफ्ट बहुत जगह देखी होंगी आपने कॉलेजेस वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिफ्ट। लोकोमोटिव रिचर्ड ट्रेविटिक। मशीन गन रिचर्ड गैटलिंग। मैच सेफ्टी मैच स्टिक, ठीक है। एली लर्ड स्ट्रॉन्ग। माइक्रोफोन डेविड ह्यूक्स। माइक्रोस्कोप जेड जेनसन, इंपॉर्टेंट है। मोटर कार इंपॉर्टेंट है, कार्ल बेंज। मोटरसाइकिल एडवर्ड बटलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस वो हर चीज इंपॉर्टेंट है जो आप डेली यूज करते हो, क्योंकि आपके दिमाग में आती नहीं, आप करते यूज हो, बाइक से जाते हो, साइकिल चलाते हो, वॉच देखते हो। नियॉन पंप जी क्लोडे। नाइलॉन डॉटर डब्ल्यू एच कैरोथर्स। फोटोग्राफी इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू एच फॉक्स टैबलॉट, ठीक है। Then we have some important inventions, telephone, Alexander Graham Bell, bulb, Thomas Edison, mobile phone, extremely important, Martin Cooper, ceiling fan, Philip Dale, 3D printing, Chuck Hill, printing machine, Johannes Gutenberg, television, John Logie Baird, three-wheeled motor car, Carl Benz, virtual reality headset, Evans Sutherland, carbon nanotubes, Sumio Lijima, ठीक है। ये गाइस इंपॉर्टेंट है कुछ, ठीक है। देन कुछ साइंस की देखते भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये इंपॉर्टेंट है। सेंटीग्रेड स्केल, ये इसका ईयर रख लेना है 1759। इलेक्ट्रिसिटी ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी चीज है। सेंटीग्रेड स्केल एंडर सेल्सियस, कुछ चीजें रिपीट हो सकती हैं। वॉच पीटर हेलन। रेडियो इंपॉर्टेंट है, गुलेलिमो मार्कोनी। थर्मोमीटर गैब्रियल फारेनहाइट, फारेनहाइट होता है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एडिसन। टेलीस्कोप हैंस लेबरसे। जैशियास जेनसन। लेटर गैलीलियो, लेटर, ठीक है, ये टेलीस्कोप का है। एयर ब्रेक वेस्टिंग हाउस। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसका मैं देख लेते हैं, वो हाइट हो रहा थोड़ा, एक मिनट बस। हाँ, रिग्नार्ड फेसिडेन, ठीक है, ये था इसका, बाकी एक मिनट। हाँ या चलो, अब हमारा क्या है, ये हमारा है बैरोमीटर, एवेंस्ट्रा टॉर्सिली, कैथेड रेडियो फ्रेडिनेंड ब्राउन, एनीमोमीटर लियोन बैटिस्टा
एल्बर्ट्री, ठीक है, टेलीग्राफ सैम्यूल मॉर्स, ऑटोमोबाइल कार्ल बेंस ये आ चुका है, ट्रांसफॉर्मर माइकल फेराडे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइकल फेराडे, क्वांटम मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है वर्नर हाइजेनबर्ग, मैक्स बोर, पास्कल जॉर्डन, न्यूक्लियर रिएक्टर एनरिको फर्मी, एयरप्लेन राइट ब्रदर्स। कुछ चीजें अगर रिपीट हो रही है बिकॉज मैंने अलग अलग सोर्सेज से लिया, बिकॉज कुछ चीजें इंपॉर्टेंट किसी में थी इसलिए, बट आपको रिविजन ही हो जाएगा एक बार। कैमरा नेस्फोर नाइपेर से, एलईडी ओलेग लोसेफ, निक होलनैक, ग्रेविटी सर सैक न्यूटन, देन वी हैव एक मिनट बैटरी, बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटरी एलेसेंड्रो वोल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है बैटरी, इंडक्शन मोटर निकोला टेस्ला, डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल, लिफ्ट एलिशा ओटिस, मोबाइल फोन मार्टिन कूपर रिपीट हो चुका है, प्रिंटिंग प्रेस जोनासन गुटेनबर्ग, स्टीम इंजन थॉमस न्यूकॉमन, रेलवे इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है जॉर्ज स्टेफेंसन, ठीक है, टेलीफोन ग्राहम बेल कर चुके हैं, सेस्मोग्राफ जॉन मिल्ली, इलेक्ट्रिक जनरेटर माइकल फेराडे, टेलीविजन बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन डॉगेबियर्ड, कैलकुलेटर ब्लेस पास्कल, रेफ्रिजरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है विलियम कलन, ऑटोमिक बॉम्ब रॉबर्ट ओपेनहेयर, एडवर्ड टेलर, एयर कंडीशनर विलिस कैरियर इंपॉर्टेंट है काफी, रडार सर रॉबर्ट अलेक्जेंडर वैटसन बॉट, ट्रांसिस्टर जॉन बाल्टन, वॉल्टर ब्रेटन एंड विलियम्स चॉकले बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइस इंपॉर्टेंट सभी यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर जॉन श्केवेनन, लेजर थियोडर एच मैनन, रॉकेट इंजन रॉबर्ट गोडार्ड, टाइपराइटर क्रिस्टोफर लेथम शोल्स, पॉलिथीन एरिक फेवेट। सो गाइस इन्होंने ये सारे कर लिए, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट थे सब हैं, नाम थोड़े अजीब टाइप के होंगे बिकॉज सब ज्यादा साइंटिस्ट बाहर के होते हैं, ठीक है, ऑब्वियस बात है काफी, तो आप अच्छे से करो उसको, दो तीन बार इस वीडियो को देखो आप लोग, और इस वीडियो को पॉज करके देखो तो आपको अच्छा रहेगा बिकॉज आपको एट द एंड रटना है, ठीक है, रट लोगों तो इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, और गाइस स्ट्रैटेजी की कोई लिमिट नहीं होती, जितना पढ़ लो उतना कमी है, बट अच्छी बात क्या, स्ट्रैटेजी की में अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया तो आपके अच्छा हो जाएगा, तो स्ट्रैटेजी की कभी भी एमसीक्यू फॉर्मेट मत करो कि आप 5000 एमसीक्यू पढ़ रहे हो, 2000 एमसीक्यू पढ़ रहे हो, एमसीक्यू तो बहुत बन जाएंगे, आपने अगर टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा है, जो नेशनल बॉक्स आपको आता है, इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स आपको आता है, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स आपको आता है, तो आप जितने भी एमसीक्यू बना लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो स्ट्रैटेजी के तो वही है कि जो सीरियस होता है जीके में वो बहुत पहले से पढ़ के रखता है स्ट्रैटेजी के को, ठीक है, बट इससे टाइम कम है, जितना कर पा रहे हो करो अच्छे से, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस अगर आप लोग चेक करना चाहते हो हम लोग का सीमैट का मिनी क्रैश कोर्स, यू कैन चेक आउट द क्रैश कोर्स, काफी डेडिकेटेड कोर्स है, ठीक है, सीमैट के फुल लेंथ मॉक्स हैं, 10 फुल लेंथ मॉक्स, लाइव जूम सेशन है पीवाईक्यू पे, ठीक है, ऑन क्वांट्स एलआर वीआरसी व्यू सब रहेगा उसमें, तो एटलीस्ट 10 सेशन है लाइव जूम पे, और जो एसआरसीसी में क्लास हुई थी उसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी आप, बाकी प्रैक्टिस शीट थ्योरी हैंड आउट है बट वो बहुत ज्यादा लगा नहीं पाओगे, बट उससे क्वेश्चंस काफी है, मेन चीज है कंप्लीट जीके फॉर एमबीए जीके कोर्स, जहां पे आपको मिलते हैं स्टडी जीके के हैंड आउट्स, करंट अफेयर्स के हैंड आउट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स का मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया है 500 का, उसकी पीडीएफ, एक पीडीएफ और अपलोड करने वाला हूँ 700 वाली, वो भी अपलोड हो जाएगी, वो पोर्टल पे रहेगी, तो 700+700 1200 करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स आपको मिलेंगे, 1200 करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स को अगर आप तीन बार रट लो तो चांस बहुत है कि शायद कुछ आ जाए उससे, ठीक है, बिकॉज वो डेली करंट अफेयर्स को कलेक्ट किया गया है, कंप्लीट इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स जिसमें अभी 6 पीडीएफ्स हैं, कुछ पीडीएफ्स भी और आएंगे, 50+ वीडियोस ऑन क्वांट्स एलआरडीए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये वीडियोस वो वीडियोस हैं जो हमने शॉर्टकट वीडियोस यूट्यूब पे बनाए थे, वो वीडियो हमने कलेक्ट कर दिया अगर आपको टाइम सेव हो, ठीक है, इसकी कॉस्ट है 1099, आप अलग से खाली मॉक्स दोगे तो मॉक्स की कॉस्ट पड़ेगी 599, बट काफी लोग पिंग आ रहा था गाइस, तो हमने मॉक्स में भी डिस्काउंट देने का ट्राई किया, तो गाइस आप लोग यूज कर सकते हो कोड सीमैट 100, आपका जो मॉक्स का प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 499, ठीक है, 499 के 10 मॉक्स, और अभी 6 मॉक्स दिख रहे होंगे, अभी मैं 7th मॉक लाइव कर दूंगा, ऐसे करके एक मॉक लाइव हो जाएंगे, ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स 31 मार्च तक सारे मॉक लाइव हो जाएंगे आपके, गाइस मॉक्स ज्यादा फोकस करो आप पढ़ाई करने में, बिकॉज वैरायटी में ध्यान देनी होगी, ठीक है, तो गाइस स्टिल सीमैट मॉक्स एंड मिनी क्रैश कोर्स में आपके जो बेनिफिशियल रहेगा वो रहेगा मिनी कोर्स, बिकॉज आपको टाइम का दिक्कत आएगा ही नहीं, सीमैट टाइम बहुत मिल रहा है, आपको दिक्कत आएगा आपको नॉलेज कितनी है, तो ज्यादा से ज्यादा जीके करो, ज्यादा से ज्यादा आई करो, और क्वांट्स को वर्स्ट टू वर्स्ट किसने बढ़ो, बिकॉज कुछ भी हो सकता है इस बार, क्योंकि मुझे लगता है टाइम आपको ज्यादा मिलने वाला है, बिकॉज 40 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड, ठीक है, तो यू कैन अप्लाई द कोड सीमैट 100, तो आपके जो मॉक्स हैं 499 के हो जाएंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट ये मिनी कोर्स आपका 1099 का है, बाकी गाइस ये रिजल्ट्स हैं, यू कैन चेक
लास्ट ईयर रिजल्ट है, ठीक है। सो गाइज दिस वॉज ऑल ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये मेरा नंबर, यू कैन पिंग मी एट दिस नंबर, ठीक है। अगर गाइज आपको व्हाट्सएप करना हो तो आप व्हाट्सएप करके छोड़ दिया करो, कभी कभार हो सकता है मैं व्हाट्सएप थोड़ा लेट देखता हूँ, पैनिक मत करना, आपको 1-2 घंटा वेट करोगे आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। और यू कैन विजिट mockzone.in/themat फॉर मॉक्स एंड कोर्सेस। चलो गाइज ऑल द बेस्ट, बाय बाय।